जय जी बारात जा रही है, सब खुश है। इसका नाम क्या है फसल का? बाबुल डोरी। वाइट वाइट मूंगफली टाइप बीज निकलते हैं जो कि खाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? तो आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है। कल रात हम सक्कर पहुंचे थे, रात यहाँ स्टे किया, अपनी नींद पूरी की, थकावट ख़त्म करके सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आगे कोशिश ये है कि आज बावलपुर जाएं और रात वहाँ स्टे करें आज और अपना फर्दर सफ़र कंटिन्यू करें। रास्ते के सीन आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग में। तो चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, बाइक बिल्कुल रेडी है, सामान सब पैक होके लगा दिया है। जैकेट मैंने अभी नहीं पहनी, थोड़ी ठंडी हवा खाऊं, सेफ्टी को इग्नोर करते हुए, क्या करें गर्मी बहुत है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आज हमारा सफ़र खैर करिए से रहे पूरा दिन। मौसम अभी काफ़ी अच्छा है सुबह सुबह के टाइम, तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम एरिया हम ठंडे ठंडे टाइम में कवर कर लें। ये ट्राले हैं आज, ये हम वापस N5 पे आ गए हैं। मोटरवे यहाँ से 300 मीटर आगे है, राइट हैंड पे सक्कर है, मुल्तान मोटरवे पे है। मोटरवे पे बाइक अलाउ नहीं है पाकिस्तान में, सिवाय कराची जाम शुरू। बाकी आप किसी भी मोटरवे पे बाइक नहीं चला सकते। एक्सप्रेसवे पे अलाउ हैं, हाईवेज पे अलाउ हैं, बाकी मोटरवेज पे अलाउ नहीं। बहरहाल यहाँ एंजॉय करते हुए जाते हैं। छोटे छोटे टाउन्स आएंगे रास्ते में, सिंध से पंजाब की तरफ जब मूव करते हैं तो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी मिलता है। सारी रात यहाँ बारिश होती रही हल्की हल्की, लेकिन जहाँ हमने स्टे किया वो यहाँ से जस्ट 2 मिनट के फासले पे, वहाँ कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे ही हम आगे आए हैं तो यहाँ पे रोड पे हमें पानी साइडों पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ बारिश हुई है रात को अच्छी खासी। शायद उस वजह से भी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है और डस्ट बैठ गई है, वरना कल रात तो बहुत समझ डस्ट का तूफान आया हुआ था। मेरे सामने रोड़ी टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं हम सब। साइडों पे शोल्डर्स पे रोड के, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा आज। ये हमारे सामने जो न्यू मोटरवे है सक्कर मुल्तान वाला सेक्शन जो है, यहाँ ऊपर से गुजर रही है और हम लोग N5 पे हैं। कंटेनर्स का ट्रैफिक था पीछे, काफ़ी उनसे जूझना पड़ा। फिर वो एक लाइन लग गई है कंटेनर्स की।
है कि रास्ता दे देते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि ये जब दो ट्रक ओवरटेक कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को, एक 71 दूसरा 72, वो वाला हिसाब होता है, तो वो स्लो 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 पास ऑन करते हैं, और उनके पास ऑन होने का थोड़ा गैप हो जाए तो फिर निकलते हैं, और ना टेल गेटिंग करते जाएंगे तो कोई भी इमरजेंसी ब्रेक मारने की सूरत में हमें स्टिकर बना देगा। यहाँ से तकरीबन 80-85 किलोमीटर पे है सिंध पंजाब का बॉर्डर एरिया, तो उम्मीद है कि 1.5 घंटे तक वहाँ पहुँच जाऊँ। रास्ते में कहीं चाय का ब्रेक भी लेंगे 1.5 घंटे तक। आज सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का सा किया है, चाय और गार्लिक रस्क, ज़्यादा ओवरलोड हो के हम नाश्ता होता नहीं है मेरे से, तो रास्ते में रुक रुक के थोड़ी थोड़ी 2 घंटे बाद कुछ खा भी लेते हैं ताकि तबीयत भी सही रहे। ये हमारे लेफ्ट साइड पे छोटी सी नहर है और लश ग्रीन खेत हैं, अभी लोग आए नहीं हैं खेतों में काम करने सुबह सुबह। राइट साइड पे हमारे रेलवे ट्रैक है और थोड़ा लेफ्ट दूर हो गई है मोटरवे मिर्जा खान लॉ कॉलेज कन्नुआ के, तो कन्नुआ किल के आसपास है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं राइड हम। इस वक्त हम एक चाय के स्टॉप के लिए रुके हैं छोटे से हाईवे की साइड पे, मैंने कहा थोड़ा सुस्ता भी लें और चाय भी पी लें, ये लकड़ी में बनी हुई चाय खुले दूध की, इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होता है बजाय ये डिब्बे वाले दूध की। बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा कीचड़ है लेकिन आज बहुत बेहतर है कल के बनिस्बत। यहाँ एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, चाय बहुत मज़े की थी, चाय पी के आगे हमने अपना सफ़र शुरू कंटिन्यू कर रखा है। गोट की आने वाला है, स्लो स्लो चलते हैं इंशाल्लाह। एक घुटकी सिटी का ये हाल है, बारिश का पानी ऐसा कर्फ खड़ा हुआ है, इसको कोई निकालने का इंतज़ाम तो है नहीं, अभी ये कहता नहीं कितने दिन तक खड़ा रहे, और रोड बिल्कुल नैरो हो जाता है इसकी वजह से। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, मैकिंग लिली है क्या है, और फ्लावर साइज भी बहुत बड़ा है, और इसके साथ एक इसका फल होता है मुझे जो बिल्कुल वो शावर हेड की तरह है, शायद मैं आपको करीब जा के दिखा सकूं, रुक के दिखाता हूँ। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये मेरे लिए तो ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था इसको लाइव देखना, इस फूल को इसे यहाँ देख रहे होंगे शायद की मक्खियाँ भी हैं, और इसका ये फल है साथ में जो बिल्कुल ये शावर हेड की तरह होता है,
इसके अंदर से वाइट वाइट मूंगफली टाइप बीज निकलते हैं जो कि खाए जाते हैं। अब वापसी का नाली बहुत चौड़ी है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है, थोड़ा ट्राई करते हैं। आते हुए तो स्लिप हुआ था पाँव, जाते हुए देखते हैं। चलो भाई पहुँच गए। क्या इसका नाम क्या है फसल का? बाबुल डोरी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ इसका सालन बनता है जिसके जो पत्ते खाने वाले हैं। इसमें से एक वो मूंगफली टाइप बीज निकलता है ना। चले भाई ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल हेड शावर की तरह है और इसमें से ऐसे तोड़ के ये बीज टाइप निकलता है वाइट कलर का। ये खाते हैं, इसका टेस्ट भी बड़ा यूनिक सा होता है। शीना खा रही है, कैसा है टेस्ट इसका? चलो ये रखो एक सैंपल के तौर पे साथ। अच्छा ये इनको 5 रुपए का एक मिलता है, आगे ये बाज़ार में 7-8 रुपए का बेचते हैं। मतलब कि यहाँ के एरिया के हिसाब से डिमांडिंग आइटम है ये। शुक्रिया भाई ने एक दिया है हमें। शीना वॉक करते करते आगे पहुँच गई है, उसको भी पिक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेटर है, ठंडी हवा चल रही है। आज मैंने अपना सेफ्टी गियर भी कंप्लीट नहीं पहना है गर्मी की वजह से बचने के लिए। इंशाल्लाह देखते हैं स्लो स्लो सेफ सेफ चलाऊं। इसे कहते हैं सुपर बाइक। हम तो हम ही अपनी बाइक को कोसे जा रहे हैं कि ज़्यादा सामान रख लिया है और बैठने में परेशानी हो रही है। इधर देखें आप, वो काउंट करेंगे इसके ऊपर मिल्क कैन कितने हैं टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 मिल्क कैन हैं 1-5 के ऊपर। और इसका डेली जनाजा निकलता होगा इस तरह तो। और वो इतना रिलैक्स होकर चला रहा है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, सामने उनसे गधा गाड़ी वाले से बातें कर रहा है। सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड है, कोई फिक्र नहीं। ये कोई ट्रक कल्टी हो चुका है यहाँ पे चारे का आई थिंक। जी नादरीन लाजा फरमाए भैंस क्रॉसिंग। थोड़ी देर यहाँ सुस्ताने का फैसला किया है। ये एक बड़ी अच्छी छाऊदार जगह है, साथ में ये छोटी सी पानी की शाख भी जा रही है। चारपाई और तकिया रेडी है, तो सोचा यही 2 मिनट सुस्ता लें। अभी तो मेरे पास समझ ले ये सेटअप है। ऐसे दिमाग में ख्याल आया मजाइया सा, क्यों ना कैंपर बाइक बना लिया जाए इसको। इसकी बेस भी काफ़ी बड़ी है, किसी के ऊपर कैंपिंग की
इसी में स्टोरेज रैक्स सब बना दिए, ड्रॉर्स वगैरह, सामान भी सेफ, थ्री व्हीलर है, टल्टी होने का भी खतरा नहीं। आइडिया है, काम करता है नहीं करता पता नहीं। टोल प्लाजा गुजर रहे हैं इस वक्त, हर चीज अपग्रेड होगी, N5 है ये, टोल प्लाजा की हालत नहीं बदली। इनको भी अल्लाह हिदायत दे, थोड़ा ये मॉडर्न हो, साफ सुथरे हो। यहाँ एक हाईवे की साइड पे हमें घर पे शादी का सीन नज़र आया, तो मैंने कहा चले आप लोग से भी शेयर करें। शीना भी कह रही थी चलो देखते हैं। ये एक साइड पे रोटियाँ पक रही हैं प्लेट के ऊपर बड़ी सी, और उधर वो देगे वगैरह हैं, अभी खाना रेडी नहीं हुआ वरना चखते। अभी तो मेहमान आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, ये लगे पड़े। हाँ जी ना, खाओगी खाना? शादी का खाना खाओगी? अगर ये वेलकम करे तो। मेरे ख्याल से अंदर खाना चल रहा है, सर्व कर रहे हैं। चलो आओ दिखा दो। बुला रहे हैं, कह रहे चलो चलो फिर साइड में खड़ी करते हैं, खाते खाते आते हैं, मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी कर दो। हमें इन्होंने इनवाइट किया खाने के लिए, हम तो ऐसे ही देखने के लिए आए थे। चले थोड़ी बेशर्मी से ही टेस्ट एंजॉय करेंगे। इस तरह यहाँ रोटियां पकाई जा रही हैं शादी की दावत की, बल्क क्वांटिटी में ताकि सबको सर्व कर सके। हमने इनको कहा खाना हमें यहीं चारपाई पे लगा दो, अंदर हम पिंडा खाती। शुरू करो आप इसको काम करेंगे। ये गोश्त देवी, शादी का खाना हम खा चुके हैं, काफ़ी मज़े का था। अब चलो भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। बैक टू द हाईवे, यहाँ बाइक खड़ी करते हुए जो डबल स्टैंड है वो लगाने लगा मैं, ताकि गिरे नहीं बाइक। तो डबल स्टैंड का जो लीवर है वो ही डैमेज हो गया है, तो
टूट ही गया है, बस ये कि अलग नहीं हुआ लेकिन वो ब्रेक हो गया है। अब भाई से पूछा तो पता चला है कि आगे 1 किलोमीटर पे ही बाज़ार में वेल्डर की शॉप है, वहाँ से इसको रिपेयर करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर थोड़ी रोड की हालत भी खस्ता ही है, अभी थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, सुबह से तो मौसम बेहतर था। खाना बहुत मज़े का था, बीफ कोरमा, रोटियाँ और ज़रदा। ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो वही कुछ हुआ हमारे साथ। चल, एक शीना का भी एक वो था कि देखें यहाँ की लोकल शादियाँ कैसे होती है, उनमें क्या इवेंट कैसा होता है। तो इनमें से एक इवेंट वलीमे का था, इसका अभी खाना चल रहा था, अभी मेरे का सुबह के 10 बजे हैं और सब शादियों में खाना बहुत जल्दी दे देते हैं, अर्ली लंच है। हम तो अभी नाश्ता किया था जल्दी आज सुबह 6 बजे, हल्की फुल्की भूख लग रही थी, सोचा चले उन्होंने ऑफ़र कर दिया साथ ही, तो हमसे भी फिर रहा नहीं गया टेस्ट कर ही लेते हैं। ये है कि हमें वेल्डिंग की शॉप मिल गई है, यहाँ से इसको वेल्ड करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। दिखाता हूँ आपको कैसे हो क्या हुआ। ये साइड स्टैंड है और ये डबल स्टैंड के साथ ही, ये जैसे ही ज़मीन पे होल्ड करते हैं तो वेट इतना ज़्यादा था कि ज़रा से इसको एक्स्ट्रा जोर लगा और ये टूट गया। अब इसको रिपेयर करवाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सिंध में तो रात बारिश हुई है, तो इस वजह से यहाँ लाइट नहीं है तो वेल्डिंग नहीं हो सकती। तो आगे 2 मिनट पे पंजाब है, पंजाब वाली साइड पे कोई शॉप देखते हैं, उधर लाइट है नहीं है पता चलेगा, नहीं तो अगर कोई गैस वेल्डिंग वाला हुआ तो उससे गैस वेल्डिंग करवा लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ये सिंध और पंजाब का बॉर्डर आ चुका है, आई थिंक ये बाइक्स वालों को तो कोई चेक नहीं करते, बाकी पैसेंजर व्हीकल्स हैं जैसे लोग बसेस वगैरह इन्हीं को चेक करते हैं, बाइक्स वगैरह को तो नहीं चेक करते हैं वरना रोकते हैं ज़रूर। तो ये सिंध वालों की चेक पोस्ट थी और आगे वो पंजाब वालों की चेक पोस्ट है। देखते हैं, लाहौर 652 और अभी तक मैं 654 चल के आया हूँ, ऑलमोस्ट जितना मैंने अभी तक कराची से ट्रैवल किया है घर से इतना ही और लाहौर है। यहाँ कोई वेल्डर शॉप देखते हैं, कोई इधर है, यहाँ कोई वेल्डिंग तो नहीं है, ये आगे देखते हैं भाई। फाइनली हम पंजाब इंटर हो गए हैं, वो एक ख्वाहिश थी ना मेरी कि बाइक पे पंजाब जाऊंगा, वो आज ख्वाब पूरा हो गया। आगे देखते हैं कि वेल्डर की शॉप मिलती है तो अपना ये काम करवाता हूँ मैं और फिर
वेट करते हैं क्या सूरत हाल है। ये पंजाब इंटर होते जो पहला टाउन आता है कोट सफजल, यहाँ ये वर्कशॉप है, इनके पास वेल्डिंग की फैसिलिटी भी है, तो सोचा यहाँ से ये काम करवा ही लूँ पहले और फिर आगे चलते हैं। वेल्डिंग हमने करवा ली है साइड स्टैंड के, अब आगे चलते हैं। इस वक्त वो सर्कल से गुजर रहे हैं इंजर खान साथियाबाद और फिर आगे बावलपुर, कोशिश यही है कि आज बावलपुर पहुँचे इंशाल्लाह। पेट्रोल रिफिल कर लें, देखते हैं कितनी कंजम्पशन हुई है। लास्ट टाइम 11 लीटर डाला था, अब देखते हैं कितना। फुल कर दे ऑटो को, ये साइड स्टैंड लगाता हूँ ताकि खड़ी हो तो पता चले। हाँ करो, फुल कर दो। कितना आ गया इसको कर दो, 2500 कर दो पूरा, 2500 तक जाने दो। आराम आराम से जाने दे, 2500 तक पूरा 25 कर देना। हाँ 2500 पूरा कर दे, ठीक है ठीक है ठीक है। 9.19 लीटर आया है अभी, मैंने कहा डलवा लें ताकि आगे रास्ते में रुकना ना पड़े सिर्फ पेट्रोल के लिए। ये एक राइड करने का नया तरीका है अमूमन पंजाब में, जब कोई बेजार होकर कहीं जा रहा हो गलती हो। अगर केले का ट्रक है तनी नशा करके चलाते हैं, इतनी ओवरलोडिंग क्यों करते हैं। जी जी बारात जा रही है, सब खुश है, खास तौर पे बच्चे। इतने तजस्सुस से देख रहे हैं पता नहीं हम इनको कार्टून लग रहे हैं। ये भी ट्रैवल फन है, मैंने कहा आप लोग से ज़रा शेयर करूं। बचपन में एक दफ़ा मैं भी गया था ऐसे गाँव पे एक इवेंट में, सादकाबाद के पास से गुजर रहे हैं। मेरे राइट हैंड पे अंदर सिटी को रास्ता जाता है सादकाबाद को, और हम सीधा जाएंगे आगे रहिंगार खान की तरफ और बावलपुर। ये मेरे राइट पे रहिंगार खान की टर्निंग थी, सीधा हम बावलपुर के लिए जा रहे हैं और यहाँ कहीं रुक के आगे चाय का स्टॉप लेते हैं। नींद आ रही है, सीना पर तो आई भी है वो तो झूल रही है पिछली सीट पे, हेलमेट से टक्करे मार रही है, सोचा उसको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए चाय पी के।
3 घंटे आराम करने के बाद अभी शाम के 6 बजने वाले और हम आगे अपना बाबरपुर की सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए और दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर ले, सारी दोपहर सड़ने से बेहतर है कि कुछ देर शाम को भी बाइक चला ली जाए। हम एंजॉय करने निकले हैं ना कि सड़ने निकले हैं, तो चलते हैं नई मंजिल की तरफ, देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। मगरिब हो चुकी है ऑलमोस्ट और अभी हम ज़ाहिर पीर के पास से गुजर रहे हैं। आगे थोड़ी देर में बस अंधेरा हो जाएगा तो बाकी की अपडेट आपको पहुंच के देते हैं इंशाल्लाह। हम बावलपुर के पास एक जगह रुके हैं खाना खाने के लिए, तो फाइनली 10 बजे हम बावलपुर पहुंच चुके हैं। न्यू कोयटा अलसाद दरवेशाबाद होटल, देखते हैं दरवेशों का खाना कैसा है। ये हमारा आज का डिनर, बेसिक सा खा के आराम करते हैं और आज का व्लॉग यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कल हमारा होगा मुल्तान की तरफ सफ़र, तो फ़िलहाल के लिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वक्त पे वीडियोज़ मिलती रहें।